प्यारे बच्चों कैसे हो? आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। खेल के साथ साथ पढ़ाई में आज हम एक खेल लेके आए हैं, जोड़ का खेल। जोड़ आप सभी को आता है? बिल्कुल आता है, लेकिन इस खेल के द्वारा देखते हैं कितने लोगों को जोड़ आता है, क्योंकि मैं इसकी विधि तो बाद में बताऊंगा अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले कुछ बना के आपको दिखाऊंगा और फिर आपको जो काम दिया जाएगा वो करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालना है। देखते हैं सबसे पहले कौन डालेगा, दूसरे नंबर पे कौन डालेगा, 100वें नंबर पे कौन डालेगा और 1000वें नंबर पे कौन डालेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार दिया है टीम मंथन के इस प्रोग्राम घर से पढ़ाओ अभियान को, तो उसी के तहत आज खेल खेल में शिक्षण करवाएंगे, जोड़ का खेल। जोड़ के खेल का नियम पहले देख लें। ये आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसको आप कई तरीकों से कर सकते हैं। इसको आप बोर्ड पे ऐसे गोले बना के भी कर सकते हैं, इसको आप एक स्लेट पे ये चीज करके, और हमारे पास बने हुए अंक हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अंक दिखाई दे रहे हैं 1 से लेके 6 तक। ये काटे ही इसलिए गए हैं कि कोई कंफ्यूजन ना हो कि हमें अंक कितने लेने हैं। अंक हमें सिर्फ 6 ही लेने हैं, 1 2 3 4 5 6, ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा। दूसरी बात, इसको मैं रख देता हूं, इसकी मैं एक्सप्लेनेशन अभी थोड़ी देर में दूंगा आपको। दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सिंगल सिंगल अंक है, इसमें कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा। हर बार आपको एक अंक एक बार ही लेना पड़ेगा और 1 2 3 4 5 6 में से ही लेना पड़ेगा। 0 नहीं लेनी है, 7 8 9 10 ये भी नहीं लेने हैं, यही 6 अंक लेने हैं। और करना क्या है कि ये जो यहां पे त्रिभुज की एक भुजा से ये 3 गोले हैं, इन 3 गोलों का जोड़ और इन 3 गोलों का जोड़ और इन 3 गोलों का जोड़ समान होना चाहिए। और समान के लिए मैं पहले आपको इनका जोड़ 9 बना के दिखा रहा हूं कि इनका जोड़ 9 होगा। देखिए कैसे होगा, सिंपल, 1 और 6 7 और 2 9, 2 और 4 6 और 3 9, 3 और 5 8 और 1 9। सिंपल है ना, बना सकते हैं हम इसको। अब आपको करना क्या है कि इसमें इन्हीं 3 गोलों का जोड़, इन्हीं 3 गोलों का जोड़, इन्हीं 3 गोलों का जोड़ आपको क्या बनाकर भेजना है, 10। क्या बनाकर भेजना है, 10। क्या बनाकर भेजना है, 11 भी। क्या बनाकर भेजना है, 11 भी और 12 भी आ जाएगा। आप करके देखिए, इन्हीं 6 अंकों को आगे पीछे लगा के देखिए, देखते हैं आपको कितना जोड़ आता है। पहला हमारा जोड़ का खेल ये है, और अब इसी से संबंधित एक वीडियो देखिए, आपको 10 का तो वहां से मिल जाएगा, फिर आपको बना के किसका भेजना है, 11 और 12 का। तो पहले देखिए ये वीडियो। तो साथियों, एक थर्मोकोल को काट के हमने टीएलएम बनाया है जोड़ के लिए, बिल्कुल उसी प्रकार से देखिए, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। बच्चों को हम जोड़ सिखाने के लिए कह सकते हैं कि जो इन 3 अंकों का जोड़ और इन 3 अंकों का जोड़ और इन 3 अंकों का जोड़ बराबर आना चाहिए। अंक हम देंगे, मान लो हमने यहाँ पे दे रखा है कि अंक वो 9 होने चाहिए, तो 1 और 6 और 2 आ गया इनका जोड़ 9 है, 2 4 और 3 आ गया उनका जोड़ 9 है, 3 5 1 आ गया उनका जोड़ भी 9 है। फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे कि इन अंकों का जोड़ अब क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। यदि 10 के लिए लेंगे तो हमें फिर इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा, और उसको हम किस प्रकार से बढ़ाएंगे आप देखिए। यहां से बच्चे सीधा निकाल निकाल के और इस क्वेश्चन को करेंगे, निकाल निकाल के इसको कहीं भी फिक्स किया जा सकता है। ये देखिए, 5 और 4 9 और 1 10, 1 और 6 7 और 3 10, 3 और 2 5 और 5 10। इसको आगे बढ़ाते हुए हम बच्चों को 11 बनाने के लिए भी बोल सकते हैं, और देखिए बच्चे खेल खेल में इसको करेंगे और जोड़ की अवधारणा को भी सीखेंगे। आप इनको इस प्रकार भी यूज कर सकते हैं, मैंने 1 2 3 4 5 6 काट के रखे हैं। अब इनका जोड़ बनाना हो तो मैं इनको हिला सकता हूं, देखो कहीं पे भी लगा सकता हूं, ये लगा दिए मैंने जोड़ के लिए, आपको दिखाई दे रहा है ना, जोड़ 9 बन गया ना, 1 और 5 6 और 3 9, 3 और 4 7 और 2 9, 6 और 2 8 1 9। और इनको कहीं भी हिला के मैं कर सकता हूं, ना कुछ लिखना है ना कुछ मिटाना है, बिल्कुल आसानी से इन गत्तों के साथ हम और
कागज के टुकड़े काट के, और ये वाला योग का वो भी आप कागज पे बना सकते हैं जैसे मैंने स्लेट पे बनाया है। और स्लेट का एक और यूज हो सकता है, मान लिया कि आपके पास ब्लैक बोर्ड नहीं है तो हम इन अंकों को छोड़ के हम इसके साथ भी लिख सकते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये देखो जैसे मैंने बोर्ड पे किया था, आप स्लेट के रूप में भी इसको बना सकते हैं। स्लेट के रूप में भी देखिए इसको यहां से यूज किया जा सकता है, तो बहुत अच्छा खेल है, आप एक बार करके देखें। अब दूसरे खेल में हमने इस त्रिभुज को बढ़ा दिया है। त्रिभुज का मतलब है कि इसके अंकों को बढ़ा दिया है। देखें अब गोले हमारे पास कितने हो गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नौ गोले हो गए हैं। संख्याएं भी कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा, समझ आया ना, यही अंक लेने हैं और 9 को रिपीट करना है। और अब की बार इनका जोड़ हमें बनाना है 17 है। देखो पहले 3 होते थे, अब चारों का जोड़ अब 4 है, बना के भेजिए। अच्छा एक मैं करके दिखा दूं 17 वाला, उसके बाद आपको फिर काम दूंगा, आपको वो करना है। तो 17 वाला देखिए हम किस प्रकार से करेंगे, अंक यही लेने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जोड़ 17 आना चाहिए ना इन चारों का, इन चारों का। आपकी बार 4 हो गए ना, पिछली बार 3 थे। अब देखें 1 और 7, 8 और 6, 14 और 3, 17 है, 3 और 8, 11, 4, 15, 2, 17 है, 2 और 9, 11 और 5, 16 और 1, 17 है, जोड़ कितना आया है 17 है। अब आपके लिए काम है कि आपको इन्हीं का जोड़ 19 बनाना है, 20 बनाना है, 21 बनाना है और 23 बनाना है। क्या 19, 20, 21, 23 और जो भी इसका जवाब देगा वो आज का विनर होगा। सबसे पहला 1, 2, 3, 4, 5 तक कितने भी विनर हो सकते हैं भाई, कोई पहले वीडियो देख लेता कोई बाद में, लेकिन जवाब जरूर देना है। देखता हूं कितने लोग इसको करके भेजेंगे और उसके बाद अगले वीडियो में आप ये माने कि अगले शनिवार या इतवार को आपको इसको बनाने की विधि भी मिल जाएगी। तब तक आप एक काम कीजिए और हमें भेजिए। धन्यवाद।